भाई जान, कल मैं गुजरांवाला में था, मेरे सामने प्रिंस सिनेमा में फिल्म लगी हुई है हमारी। वहाँ जब मैं गया हूँ तो वहाँ बहुत सारी ऑडियंस खड़ी थी और मुझे कहने लगे भाई उधर 8,000 रुपये का टिकट है, असं नहीं लै सकते, असं ये थोड़ी फिल्म देखनी है। मैं गया, उन्होंने पूछा, मैं क्या फिल्म, उन्हें कहा भाई थोड़ी फिल्म तो सवेर दोपहर लगती 3 बजे। उन्हें कहा भाई 3 बजे असं कितों आके फिल्म देखिए, असं पैसे कमा के शाम को रक्षे, असं रक्षे चलाने भाजी, असं 200-400-500 रुपये बटना तो शाम को फिल्म देखनी है। गलत टाइम पर फिल्म लगाते हैं जान बूझ के, क्योंकि ये पंजाब है तो भाई यहाँ पंजाबी फिल्म चलेगी, गुजराले कौन जाके देखेगा? भाई तुम क्या कह रहे हो, कितने बजे आए थे तुम? अरे भाई मैं देखता हूँ भाई, कोई नहीं देखेगा वो फिल्म, तो देखेगा शेख नूर साहब दी इधर आए ठाक फिल्म, ये चलेगी पंजाब में जो पंजाब की जुबान है। तो भाई अल्लाह का वास्ता है, करो जो मर्जी लेकिन सफल करके करो यार। एक दिन हमें टाइम दो, एक दिन उनको टाइम दो। हम ये नहीं कहते कि भाई सारा टाइम उनको दे दो, हम ये नहीं कहते सारा टाइम हमको दे दो। अच्छा, यार एक एक दिन के करो यार, कुछ तो इंसाफ करो। हुकुम जी, आज लाहौर में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद नूर साहब थे, हसन अस्करी साहब थे, अच्छी खान थे, कामरान माइकल साहब थे, नवाज़ खान और इफ्तखार ठाकुर साहब थे। इसके अलावा फिल्म तेरे बाजरे दी राखी के जो प्रोड्यूसर हैं सफदर मलिक साहब, वो भी मौजूद थे। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनका ये कहना था कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और शुक्रिया अदा करते हैं अपने आवाम का जिन्होंने ईद पर जो है वो आकर सिनेमा घरों को रौनक बख्शी और स्टिल जो है वो आकर मुख्तलिफ शोज़ देख रहे हैं अपने अपने पसंद की फिल्मों के। और इन सब का यही कहना था कि इसी तरह से फिल्में बनती रहनी चाहिए ताकि फिल्मी सनत की जो बहाली है उसका पहिया जो है वो चलता रहे, वो रुके बिल्कुल भी ना। साथ ही साथ वो थोड़ा सा ये भी गिला करते नज़र आए और उनका ये कहना था कि कराची के जो कुछ सिनेमा घर हैं उनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 4 शायद सिनेमा घरों का इन्होंने बताया है कि उनके साथ इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके मुताबिक इनकी फिल्में जो थी वहां पर लगनी थी और ऐसा नहीं हो सका। बल्कि उनका इल्ज़ाम ये भी था कि बाद सिनेमाज में तो ऐसा हुआ कि लोगों ने फिल्म देखने इनकी फिल्में देखने के लिए टिकट्स भी ख़रीद लिए थे लेकिन एंड टाइम पर ये कह दिया गया कि जी फिल्मों के शोज़ को रोक दिया गया और लोगों को कहा कि जी फिल्म नहीं लग रही या लोगों को फिल्म देखने नहीं दी गई। तो उनका ये गिला था कि ये इस तरह के इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए और जो फिल्म बन रही है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म है, चाहे वो पंजाब से बने, चाहे वो सिंध से बने या किसी भी सूबे से बनती है तो वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म कहलाएगी। वो ये नहीं कहलाएगी कि ये सिंध से बनी हुई फिल्म है, ये केपीके से बनी हुई फिल्म है या ये पंजाब से बनी हुई फिल्म है। तो जो इस तरह की चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए। उस वक्त इनको पंजाबी जबान बुरी नहीं लगती, अंदर नाचते हैं, बुरा नाचते हैं, बुरी शायरी करते हैं, मैं यहाँ इस मुकाम पे उन एग्जीबिटर्स सिंगल स्क्रीन सिनेमा जिनके हैं जिन्होंने बंद किए हैं उनको ये एग्जाम्पल लेनी चाहिए, उनको ये एग्जाम्पल लेनी चाहिए कि कितना ज़बरदस्त बिजनेस सिर्फ एक सिनेमा ने किया है। तो हमको मिलके, मैं जो साहब से एग्जीबिटर के जो साहब जो आज चेयरमैन नहीं, ये पांडकाली नहीं है, हम लोग कम्प्रोमाइज करेंगे, हमें करना चाहिए, हम उससे भी जाएंगे, आप लोग करें, आप प्रेस हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी बात करें, आप जो हुआ थोड़ा सा हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे कुछ बुनियादी हकूक हैं,
दिए गए हैं। अच्छा मेरा ये सवाल है, मुझे ये बताएं क्या वो ट्रांसमिशन लाइट नहीं होती आपके पास? बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने सिस्टम में बताई है छेड़ा थे, अब आपको मिलने की खराब होता है, कितने साल में मिल लगी आपकी ये बताएं? सब पूछ रहे हैं वहाँ भी चार शर्मों में इन्होंने रिलीज की है। पूरे शो मिले वहाँ पे? नहीं मिले। ये बात बताए ना बस, आपने जो इतना 8 करोड़ या 2 करोड़ जो वहाँ पे लगाया है, आप उसको कवर कर लेंगे? आप बताए कितने शो मिले बताए जरा। वहाँ ऑडियंस फिल्म देखने गए हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने टिकटें भी खरीद ली हैं, जब शो चला तो उन्होंने दूसरी फिल्म करा दी। किसने किया? आपने किया, सैनो वालों ने किया? ऑर्डर कर रहे हैं यार।